एक सवाल ये तहरीर फरमाया है कि सऊदीया में रमज़ान में कुरान करीम फ़ोन में देख के और देख कर तरावी पढ़ाई जाती है, अगर ये किसी तरह से जायज़ है तो क्या मैं ऐसे मुल्क में रमज़ान गुजारूँ जहाँ मसाजिद हों, तो क्या मैं ख़ुद कुरान देख कर तरावी अदा कर सकता हूँ? मैं रमज़ान में अमेरिका में होता हूँ और करीब मस्जिद नहीं है। नहीं है मस्जिद तो भी तरावी पढ़नी है ना, आप आखिरी 10 सूरतों से पढ़ लीजिए। ये जितने भी कुरान करीम देख कर पढ़ते हैं तरावी की नमाज में हाथ में उठाया हुआ होता है, इसमें हमारे हनफी फुकहा इसकी इजाज़त नहीं देते और ना वो ऐसी नमाज को नमाज मानते हैं। तो आपको ज़रूरत क्या है इतने तरद्दुद की, अपने घर में पढ़िए, 10 सूरतें देख के पढ़ लीजिए। करीब तरीन जो मस्जिद है वो आप कहते हैं है नहीं, तो अब शरीयत ने इसका भी ज़्यादा पाबंद आपको नहीं किया कि आप ज़रूरी मस्जिद जाया करें, आप वहाँ पढ़ लीजिए। तो इसलिए एक नफल काम के लिए इन चीज़ों को करना दुरुस्त नहीं है सुन्नत मौकदा के लिए।